नमस्कार, मैं हूं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा में भीड़ ने जाबाज अफसर सुबोध कुमार को अपना शिकार बनाया है और साथ में मौजूद पुलिस कर्मी और अफसर भी अपने साथी को घटनास्थल पर छोड़कर भाग गए। जिस तरह से सुबोध कुमार सिंह की भीड़ ने जान ले ली, उसी तरह जनता की रक्षा करने वाली पुलिस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद लगातार अपराधियों का इनकाउंटर कर अपराध मुक्त प्रदेश बना रही थी, मगर बुलंदशहर के इस हिंसा में योगी सरकार के अपराध मुक्त प्रदेश के दावे खोखले साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस आज खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठते हैं। गोकसी के शक में भीड़ ने सुबोध कुमार सिंह की जान ले ली, वहीं सुबोध कुमार का परिवार रो रो कर बुरे हाल में है। सुबोध कुमार ऐसे अकेले ऑफिसर नहीं है हिंसा के दौरान जिनकी हत्या हुई है। साल 2013 में प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बलीपुर में गोली चलने की सूचना पर सीओ जियाउल हक 7 पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे, जहां गुस्साई भीड़ ने जियाउल हक को घेर लिया। इसी दौरान जाबाज जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह मथुरा में एएसपी मुकुल द्विवेदी व एसआई संतोष यादव की अवैध कब्जा हटाने के दौरान 2 जून सन 2016 को हत्या कर दी गई थी। हमारे देश में ऐसे और भी कितने जाबाज ऑफिसर हैं जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। हमारे देश के नेताओं को इन जाबाज ऑफिसरों से सीख लेने की बेहद जरूरत है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।